ओके तो भाई फाइनली रेसलमेनिया 40 स्टार्ट हो चुका है और रिया रिप्ली वर्सेस बैकी लिंच का मैच भी खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली भाई क्या था इस पूरे मैच के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई रेसलमेनिया 40 का बेसिकली हमें जो स्टार्टिंग देखने को मिलता है हमारे गेम ट्रिपल एच को द्वारा देखने को मिलता है। हाँ मैं बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ किया भी। सिंपल भाई अरेना के अंदर आकर एक बड़े बोले वेलकम टू रेसलमेनिया 40 और साथ ही साथ वो इस बात को बोले कि मॉडर्न एरा का सबसे खतरनाक रेसलमेनिया में आपका स्वागत। जरा भाई आप लोग पर ऑडियंस देखो भाई क्या ही खतरनाक ऑडियंस भाई क्या ही खतरनाक एरिना था सच में मजा आ गया देखकर। वैसे देन इसके बाद भाई हमें सबसे फर्स्ट मैच का स्टार्टिंग देखने को मिल जाता और बैकी लिंच का यहाँ पर हमें इंट्रेंस देखने को मिल जाता और भाई मैं यहाँ पर से समझ गया था कि भाई संगति का असर बहुत बुरा होता है। सेथ रॉलिंस के साथ रह रहा भाई बैकी लिंच भी अब सेथ रॉलिंस जैसा ड्रेस पहनना शुरू कर दी। वैसे भाई जब अचानक से रिया रिप्ली का एंट्रेंस देखने को मिलता तो भाई मैं लिटरली डर जाता हूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई एक स्पेशल रैपर को यहाँ पर एंट्रेंस के तौर पर यहाँ पर लगाया हुआ था। मुझे लगा भाई ये रिया रिप्ली है। एक्चुअली भाई रिया रिप्ली भाई बहुत खूबसूरत बनकर आई थी, मतलब गुलाबी गुलाबी कुछ गाल में लगाई हुई और थी। भाई मैं तो ये पढ़ रहा था कि उनका गुलाबी गाल पर आखिर नाम किसका लिखा है। भाई मैं गधा था क्योंकि भाई एक तरफ यहाँ पर डॉम का नाम लिखा था, एक तरफ यहाँ पर रेसलमेनिया का नाम लिखा वैसे था। भाई सीधे चलते हैं मैच की तरफ। वैसे भाई मैच से पहले ये दोनों रेसलर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हम लोग सबसे पहले मैच का स्टार्टिंग का बात करें तो भाई मैच जैसे स्टार्ट होता है भाई सबसे पहले बैकी लिंच की तरफ से हमें एक्शन देखने को मिलता है। बैकी लिंच भाई सबसे पहले रिंग के अंदर अटैक करते हैं, उसके बाद रिंग के बाहर ले आकर मतलब रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो भाई मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर भाई रिया रिप्ली का आर्म इंजर्ड था, उसके बावजूद ये मैच के अंदर रेसल की है। बैकी लिंच भाई पूरे मैच के अंदर बार बार उनके आर्म को ही मतलब यहाँ पर टारगेट कर रही है। मैच जो होता है भाई स्टार्टिंग में तो यहाँ पर बैकी लिंच डोमिनेट करते पर भाई बाद में जाकर यहाँ पर डोमिनेशन में रिया रिप्ली का भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट भाई रिया रिप्ली भाई इस मैच का स्टार्टिंग से बैकी लिंच को भाई अपना फिनिशर लगाकर मतलब पिन करने का कोशिश कर रहा है। बहुत ऑब्वियस बात है बैकी लिंच को मतलब हराना इतना आसान नहीं है। इसके बाद भाई इस मैच के अंदर हमें बैकी लिंच की तरफ से भाई हमें सबमिशन मूव देखने को मिलता है पर भाई उसके ऊपर भी रिया रिप्ली भाई बहुत आसान तरीके से किक आउट कर देते हैं। इसके बाद भाई फाइनल अगर हम लोग इस मैच का एंडिंग का बात करें तो भाई एंडिंग में बड़ा कमाल का चीज देखने को मिलता है। क्या भाई आप लोग देख सकते हैं रिंग के बीचों बीच भाई यहाँ पर सबमिशन मूव रिया रिप्ली भाई बैकी लिंच के ऊपर लगा देती है। भाई इसी सबमिशन मूव को लगाकर मतलब रेसलमेनिया के अंदर आज के 2 या 3 साल पहले यहाँ पर चैंपियन भी बनी थी मतलब रिया रिप्ली, उसी चीज को ये फिर से यूज करती है पर भाई इस बार ये सक्सेसफुल इसमें नहीं हो पाती। वैसे अगर आपको नहीं पता तो भाई रिया रिप्ली और बैकी लिंच के बीच में आपको जो फाइट देखने को मिला ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, इससे पहले फाइट हुआ ही नहीं। वैसे मैच के एंडिंग में भाई हमें बैकी लिंच की तरफ से सबमिशन मूव देखने को मिलता है जिसको बहुत अच्छे तरीके से वो काउंटर करते हैं। बैकी लिंच भाई अपना सबमिशन मूव लगाए हुए पर भाई रिया रिप्ली उनको मतलब सीधे ऊपर उठा लेती है, ऊपर उठाकर भाई लिटरली उनको रिंग के बाहर लेकर चले जाते हैं, रिंग के बाहर लेकर उनको पटक देती है मैट को। तो इस पॉइंट पर भाई मतलब ऑलमोस्ट बैकी लिंच का हालत भाई बहुत ज्यादा खराब हो चुका था इस मैच के अंदर। देन उसके बाद भाई रिया रिप्ली भाई यहाँ पर आकर अपना फिनिशर लगाती है ऐसे स्प्लैश लगाने के बाद पर भाई यहाँ पर बैकी लिंच किक आउट कर देती है। यहाँ पर रिया रिप्ली भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि मतलब भाई ये किक आउट कैसे कर दे रही है। भाई आप लोग ये फोटो देखो भाई लास्ट में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले भाई रोप के ऊपर अपना रिपटाइट फिनिशर लगा देते हैं बैकी लिंच को। देन उसके बाद भाई रिंग के बीचों बीच मतलब फिर से एक बार रिपटाइट लगाकर इस मैच के अंदर बैकी लिंच को पिन कर देती है। सबको भाई ऑलरेडी पता था कि भाई इस मैच के अंदर बैकी लिंच को हारना, जो कि भाई बैकी लिंच हार चुकी है। बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था भाई इन दोनों रेसलर के बीच में, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्जेक्टली वही परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पर भाई इन्होंने काफी अच्छा डिलीवरी किया। भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई जहां रेसलमेनिया 40 हो रहा है भाई वहां का मौसम करंट टाइम बहुत ज्यादा ठंडा है, ऐसे बारिश भी हो सकता है। वैसे आपको कैसा लगा मैच भाई सारे लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ भाई जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ सकते हैं।